संगीतकार बप्पी लहरी ने पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर सीट से सोमवार को बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। चुनाव में जीत की उम्मीद व्यक्त करते हुए लहरी ने कहा कि वह इस सीट पर अच्छा काम करेंगे। पश्चिम बंगाल में गंगा के पश्चिमी किनारे पर बसे श्रीरामपुर में 30 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं। हमारे संवाददाता विक्रांत दुबे ने बप्पी लहरी से खास बात की। हमारे साथ हैं बप्पी लहरी जी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने श्रीरामपुर संसदीय क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। जी, पहले तो आपको हम लोग सामना देखने वाले को नमस्कार। एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके साथ, इस समय चिलचिलाती धूप है, इसमें निकलना, लोगों से मिलना, वैसे भी आप भीड़ में रह चुके हैं लेकिन दौर अलग है। नहीं, वो बात फंक्शन का बात अलग होता है, बिकॉज आई एम डूइंग नाउ ऑल्सो 1-to-1 50,000 पीपल 30,000 पीपल आई एम डूइंग शो, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। बट क्या है, ये जो एक उच्छ्वास, एक जो प्यार, एक जो बापीदा जिंदाबाद एंड बापीदा को जो प्यार मिल रहा है, देखिए जीतना हारना ये सब कुछ जनता का हाथ में है। मैं कोई जीत जो जो हमको 5 दिन से जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, जो मेरा नॉट प्रचार, मेरा जो लोकसभा के लिए जो मैं आज बीजेपी हमारा पार्टी ने हमको सिलेक्ट किया, उनके लिए जो मैं कर रहा हूँ एक प्रतिनिधि बनाने के लिए फ्रॉम श्रीरामपुर टू दिल्ली, तो मैं सोचा नहीं था इतना प्यार मिलेगा। श्रीरामपुर के अमी कोरी प्रणाम, श्रीरामपुर के अमी कोरी प्रणाम, राजनाथ जी के सपने होंगे साकार, मोदी जी करेंगे भारत में चमत्कार, जय जय श्री रामपुर, जय जय बीजेपी।